केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर वन। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने ऑक्साइड्स की ऑक्साइड्स कह रहा हूँ हैलाइड्स के प्रोडक्ट ट्रेंड्स को डिस्कस किया था। हम बेसिकली प्रोडक्ट ट्रेंड्स ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एलिमेंट्स के प्रोडक्ट ट्रेंड्स देखे थे जिसमें मुख्तलिफ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, और अब हम प्रोडक्ट ट्रेंड्स देख रहे हैं कंपाउंड्स के। और सबसे पहले जो कंपाउंड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो हैलाइड्स थे, जो हैलोजन्स के कंपाउंड्स होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग अगेन प्रोडक्ट ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे, और आज हम लोग हाइड्राइड्स डिस्कस करेंगे। हाइड्राइड्स, जैसे कि आपको नाम से अंदाजा हो रहा होगा कि ये हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। जैसे उसमें हमारे पास एक हैलोजन रिएक्ट करता था ना किसी एलिमेंट के साथ, और अगेन ये भी हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हैलाइड्स बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी का मतलब टू एलिमेंट्स मिलके ये हाइड्राइड्स बना रहे हैं, ठीक है, टू एलिमेंट्स मिलके जब बनते हैं तो इनको हम हाइड्राइड्स बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्राइड्स अब किस टाइप के होते हैं। हाइड्रोजन, वैसे आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं पहले बता देता हूँ। हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर है 1। इसका मतलब है इसके न्यूक्लियस में होता है एक प्रोटॉन, और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। और इसके बाद इसका फर्स्ट शेल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए हम ये कर सकते हैं, या तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉक ऑफ कर दें और हाइड्रोजन जो है वो आयनिक बॉन्ड बना ले। जब ऐसा होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा H+, या ये भी हो सकता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर ऐड कर दें एक्स्ट्रा। इन दैट केस अगेन आपके पास H- ये चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन की टेंडेंसी ये होती है कि वो अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, इसको कहते हैं हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन बनाने की कोशिश करता है अपने ज्यादातर कंपाउंड्स में। अब कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि वो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एलिमेंट्स का जो होता है डिफरेंस, आई थिंक मेरे स्पेलिंग गलत हो गए, डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो आपका होता है ये आपका क्या डिटरमिन करता है, बॉन्ड टाइप। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना बॉन्ड जो है वो आयनिक होगा, ठीक है, और जितना ही कम होगा उतना बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट होगा, ठीक है। और आयनिक बॉन्डिंग के अंदर हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके पास आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ना, आयनिक बॉन्ड्स, उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की बात कर रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। आयनिक बॉन्ड के अंदर ये जो फोर्सेस होती हैं ये कूलम्स फोर्स होती है, कूलम्स। अब कूलम्स के स्पेलिंग क्या होते हैं, चलें जो भी होते हैं फिलहाल हम इसको कूलम्स फोर्स कह देते हैं, कूलम्स फोर्स जो आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, या आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये, ठीक है, ये चार्जेस के दरमियान होती है। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके अंदर जो आपके पास फोर्स होती है वो वैन डर वाल्स फोर्स होती है, वैन डर वाल्स फोर्स। ये बात कहने का मतलब ये है कि जब आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है ना वो आयनिक होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, फॉर एग्जांपल आप NaCl के अंदर देखते हो कि ये आयनिक बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, आयनिक। तो उस केस में जब NaCl के ढेर सारे फॉर्मूला यूनिट्स आपस में मिल जाएंगे तो उन सब के दरमियान कूलम्स फोर्स एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, और वो उतनी ही स्ट्रांग होगी जितनी ये आयनिक फोर्स होगी। और जब आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल HH इस ढेर सारे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन कह रहा हूं, जो आपस में मिले हुए हैं, तो इन सारे मॉलिक्यूल्स की आपस में जो फोर्सेस होंगी ये वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली वीक होंगी। जब इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये वाली जो दरमियान में इनकी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, ठीक है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। अब हम आते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर।
ये आपको पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ नजर आ रहा है. हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जैसे कि आप देख सकते हो वो है 2.2, ठीक है, 2.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और बाकी आप कंपाउंड्स की अगर देखो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां पे होती है, इस पार्ट में ना, इस वाले पार्ट में. यहां से आपको आइडिया हो रहा होगा ये वाला जो पार्ट है ना आपके पास, ये आपके पास वो पार्ट है जिसकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है. अब होगा ये कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना हाइड्रोजन के साथ, वो इन कंपाउंड्स का सबसे ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू एनी अदर. ठीक है, तो ये वो कंपाउंड्स हैं ग्रुप 1A और 2A के. मैं बेरिलियम और मैग्नीशियम को फिलहाल इनमें से एक्सक्लूड कर रहा हूँ. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम और कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और ये जो आपके पास नीचे रेडियम तक आ रहे हैं, बेरियम एंड रेडियम, ये आपके पास वो है जो आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे इन केस ऑफ हाइड्राइड. ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने हेलाइड्स को क्लासिफाई किया था इसी तरह हम लोग हाइड्राइड्स को भी क्लासिफाई करेंगे. अब हाइड्राइड, हाइड्राइड्स भी अगेन तीन किस्म के होते हैं, आयनिक, इंटरमीडिएट और थर्ड कोवेलेंट. ठीक, जो आपके पास आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं ये कौन से होते हैं, ये अमूमन ग्रुप 1A और 2A के जो आपके पास एलिमेंट्स है ना ये होते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ आपके पास जो बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स बनते हैं ना वो इस कैटेगरी में नहीं आते. इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स कौन से होते हैं, जो आपके ग्रुप 2A के बेरिलियम और मैग्नीशियम है, इसके अलावा आपके पास इसमें कुछ ट्रांजिशन मेटल के आ जाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के कुछ आपके पास ग्रुप्स आ जाते हैं और उसके बाद फाइनली आपके पास इंडियम का जो हाइड्राइड होता है, इंडियम हाइड्राइड जो होता है INH3, ये आपके पास बहुत कम ऐसे कंपाउंड्स है जो इंटरमीडिएट बॉन्ड्स बनाते हैं, जो इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स बनाते हैं, जो उसके अलावा पीरियोडिक टेबल का बाकी जितना भी हिस्सा है वो सब के सब कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं. इसके अंदर आपके पास पूरा का पूरा ग्रुप 4A, 5A, 6A और 7A आ जाता है. ठीक है, ये आपके पास जितने भी हैलाइड्स बनेंगे, सॉरी हाइड्राइड्स बनेंगे, ये सब के सब कोवेलेंट होंगे. अब हम डिस्कस कर लेते हैं ये हाइड्राइड्स जो होंगे ये बेसिकली होंगे कौन कौन से. फॉर एग्जांपल आप बात करते हो ग्रुप 1A की, मैं पीरियोडिक टेबल पे ले चलता हूँ आपको. पीरियोडिक टेबल के ऊपर से कंपाउंड्स बनाना आपको मैं साथ साथ बताता चाहूंगा क्या क्या कंपाउंड्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल आप लिथियम की बात करते हो तो लिथियम का जो चार्ज शो करता है ये कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट वो +1 होती है ना इस पूरी कैटेगरी की. तो बेसिकली इसके साथ Li+1, H-1, तो ये आपके पास LiH बन जाएगा. ठीक है, सो लिथियम हाइड्राइड LiH, सोडियम हाइड्राइड NaH, पोटेशियम हाइड्राइड KH, रुबीडियम हाइड्राइड RbH एंड सीजियम हाइड्राइड CsH और इस तरह ये कैटेगरी में चलता रहेगा और ये सब के सब आयनिक होंगे. इसी तरह कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम का चार्ज क्या शो करता है, इस पूरी ग्रुप का चार्ज शो करता है ऑक्सीडेशन से +2 होती है, Ca+2, H-1, ये 2 नीचे आ गया, 1 नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा CaH2. ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मूला हो गया CaH2, देन स्ट्रॉन्शियम हाइड्राइड का SrH2 एंड देन बेरियम हाइड्राइड BaH2 और ये इसी तरह आगे रेडियम RaH2 चलता रहेगा. ठीक है, तो ये आपके पास थे सारे के सारे आयनिक हाइड्राइड. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो आपके आयनिक हाइड्राइड होती है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है. जो आपके आयनिक हाइड्राइड होते हैं ना, सबसे पहली चीज तो ये कि ये सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर. ठीक है, लेकिन इंप्योरिटीज की वजह से अगर आप इनको वैसे कहीं देखने की कोशिश करोगे तो वो आपको थोड़े थोड़े ग्रे नजर आएंगे, ग्रे इंप्योरिटीज की वजह से होंगे. ठीक है, इनके अंदर बाकी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ट्रेसेस कुछ बचे कुछ इनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से ही आपको नजर आएंगे ग्रे कलर के. वैसे इनका जो प्योर कलर होता है वो व्हाइट होता है और ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड्स. सेकेंड आपके पास इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स, वो कंपैरेटिवली बाकी हाइड्राइड्स की निस्बत सबसे ज्यादा होते हैं.
हाईएस्ट होते हैं, ठीक है। उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन अगेन ये कि आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, जैसे आप प्रीवियसली उनके अंदर हैलाइड्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हो, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की वजह से इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तीसरी इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, अगेन इसकी भी रीजन ये बिकॉज इनके ऊपर चार्जेस होते हैं, और ये चार्जेस जो होते हैं ये जब आप स्पेशली मोल्टन स्टेट के अंदर तो ये ज्यादा बेहतर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट आते जाते हो तो आपके जो कंपाउंड्स हैं वो लेस आयनिक होते जाते हैं बिकॉज आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज और भी बता दूं कि जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं ना, आयनिक हाइड्राइड्स, इनको हम सेलीन हाइड्राइड्स भी कहते हैं, सेलीन कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। आयनिक हाइड्राइड का दूसरा नाम है सेलीन कंपाउंड। सेलीन हम क्यों कहते हैं, बिकॉज सेलीन सॉल्ट से निकला है, और सॉल्ट फॉर्मर्स जो आपके पास होते थे ना हेलोजेंस, अगर आप पिछले लेक्चर पे जाके डिटेल में देखो कि वो जो हैलाइड्स होते थे और जो हैलाइड्स के आयनिक प्रॉपर्टीज होती थी और जो आयनिक हैलाइड्स होते थे आपके पास, वो एग्जैक्टली वैसे ही प्रॉपर्टीज शो करते थे जैसे आयनिक हाइड्राइड्स शो करते हैं, ठीक है। तो आपके ऑलमोस्ट चूंकि इनकी डिफरेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, इस वजह से हम इनको सेलीन हाइड्राइड्स या सेलीन कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब हम आ जाते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड्स के ऊपर। जो आपके पास इंटरमीडिएट हैलाइड्स होते हैं ना, इंटरमीडिएट हैलाइड्स, ये ऐसे हैलाइड्स होते हैं कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही माइन्यूट, वेरी माइन्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है इनका, ठीक है। यानी हाइड्रोजन के साथ अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखो तो बहुत ही कम होती है, कुछ पॉइंट्स में आता है आंसर इनका। अभी जो इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे आपने पढ़े थे ना पॉलीमेरिक हैलाइड्स पढ़े थे, इसी तरह पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स होते हैं, ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं ये पॉलीमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये, ठीक है। ये अमूमन चेन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। ये आपके पास एग्जाम्पल है एक बोरॉन हाइड्राइड की। वैसे तो जो बोरॉन हाइड्राइड है ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये आपके पास कोवेलेंट की कैटेगरी में फॉल करता है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट जैसी हैं, इंटरमीडिएट हाइड्राइड, ठीक है। सो बेसिकली बोरॉन हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है BH3। तो जैसे आप देख सकते हो एक बोरॉन, तीन हाइड्रोजन, एक बोरॉन, तीन हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन पे अगर आप गौर करो तो ये बेसिकली लिंक हुआ हुआ है बिटवीन टू बोरॉन एटम्स, ठीक है। इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन भी लिंक हुआ हुआ है बिटवीन दीज टू बोरॉन एटम्स, ठीक है। तो अगेन ये जो इंटरमीडिएट हैलाइड्स होते हैं ये पॉलीमेरिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं, या ये चेन टाइप कैरेक्टर क्यों शो करते हैं, चेन टाइप कैरेक्टर होते हैं ना, ये चेन्स बनाते हैं, बिकॉज इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और ये आपके वैंडरवॉल्स फोर्सेस हैं बेसिकली इनके दरमियान, ठीक है। सो इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे जाएंगे, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। हम बात कर रहे थे पॉलीमेरिक हैलाइड्स की, तो पॉलीमेरिक सॉरी हाइड्राइड्स जो होते हैं, सो इतना ही फिलहाल पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स के ऊपर। हम बेसिकली ज्यादा डिस्कशन अपनी फोकस्ड रखेंगे कोवेलेंट हाइड्राइड्स के ऊपर। जो आपके कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं ना, ऑफकोर्स उनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, और सबसे पहले तो हम इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इनमें होता क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी तो ये कि ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स कैरेक्टर्स थे तो ये कंडक्टर्स थे, ये नॉन कंडक्टर्स हैं। ये जो होते हैं ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होते हैं। उसकी रीजन क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, और उनमें अमूमन कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और उनके अंदर आपके पास पोलर पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये इस वजह से, जैसे आप कहते हो अगर लाइक डिजोल्व, लाइक जो सिमिलर अगर बॉन्डिंग होगी दोनों के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर, लाइक डिजोल्व, लाइक अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर सिमिलर बॉन्डिंग होगी तो ये उसके अंदर इजीली आप इनको मिक्स कर सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी इनकी हम देखते हैं स्टेबिलिटी। अब जो स्टेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वैसे मैं आपको स्टेबिलिटी थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ। स्टेबिलिटी हम कहते हैं इसको डिटेल में थर्मल स्टेबिलिटी,
ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को हम अगर आप एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, आप अगर इस टेबल पे जाओ ना, अगर आपको इंटरेस्ट हो डिटेल में, अगर आप इस टॉपिक को स्टडी करना चाहते हो कि स्टेबिलिटी कैसे मेजर की जाती है, तो आप गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, आप इसको सर्च आउट कर सकते हो. और ये जो एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है इसको हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. और ये अगर आप मेजर करो तो ये आपकी स्टेबिलिटी बेसिकली मेजर करता है. और थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि एट हाई टेम्परेचर्स आपका जो कंपाउंड है वो कितना स्टेबल है या कितना वो रेजिस्ट करता है हाई टेम्परेचर्स को, ठीक है. जितना आप हाई टेम्परेचर तक लेते जाओ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतना थर्मली स्टेबल होगा. तो अब होता ये है कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हो ना, टॉप टू बॉटम कोवेलेंट हाइड्राइड्स के अंदर, तो जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है ना वो रिड्यूस होती है, रिड्यूस होती है. और जब आप सॉरी ये मैंने आपको, हाँ ठीक है, टॉप टू बॉटम आपकी रिड्यूस ही होगी. और लेफ्ट टू राइट जब आप आते हो तो जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है, ठीक है. तो जब आप लेफ्ट टू राइट आओगे तो वो बढ़ेगी, ठीक है. और जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो भी वो बढ़ेगी. इस बात का मतलब ये हुआ कि आपका टॉप राइट हैंड साइड पे जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल. और अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहो कि क्यों सबसे ज्यादा ये वाला कंपाउंड जो होगा वो स्टेबल होगा, बिकॉज आपका टॉप राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो हाइड्रोजन के साथ होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो जिसकी वजह से होगा ये कि आपका जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से अगेन आपकी जो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, स्टेबल हो जाएगा कंपाउंड. और जितना आप इधर नीचे आते जाओगे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिड्यूस करती जाती है, आपका करेक्टर जो है वो इंटरमीडिएट की तरफ शिफ्ट करता जाएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्टेबिलिटी जो अगर मैं आपको बात करूं, स्टेबिलिटी आपकी फ्लोरीन का जो हाइड्राइड होता है ना HF, इसकी सबसे ज्यादा होती है. HF ये सबसे ज्यादा स्टेबल है थर्मली. और आपके पास जो यहाँ पे नीचे लेड का जो हाइड्राइड बनता है ना, लेड का हाइड्राइड क्या बनेगा, PbH4, बिकॉज ये आपके पास फोर एक ग्रुप है तो ये फोर बॉन्ड्स बनाते हैं आपके हाइड्रोजन के साथ, PbH4, और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है. आपके जो सेकेंड कैटेगरी मैंने आपको इंटरमीडिएट बताई थी ना, उसमें एक तो आपके पास ये वाले दो आते हैं, ठीक है. उसके बाद आपके पास ये जिंक वाली लाइन के अंदर से जिंक और कैडमियम आते हैं, और देन आपके पास ये इंडियम आता है. ये आपके पास जो कुछ कंपाउंड्स है ना, इनके जो हाइड्राइड्स बनते हैं ये आपके पास होते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है. जिंक जैसे आपको पता है कि ये 2B ये वाला ग्रुप है तो ये दो बॉन्ड्स बनाते हैं, तो ये इसका जो हाइड्राइड होता है वो होता है ZnH2, और कैडमियम का CdH2, और इंडियम जो होता है ये ग्रुप 3 है तो ये तीन बॉन्ड्स बनाते हैं, तो InH3 इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है. अब आप आ जाओ कि इस पोर्ट बोरॉन पे, एल्यूमिनियम पे, कार्बन पे, सिलिकॉन पे, इनके फॉर्मूलाज क्या होंगे, BH3, AlH3, बिकॉज इनके अगेन जो आपका ग्रुप नंबर है ये उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है. अब फोरे पे आ जाओ तो ये CH4 बनाएगा, SiH4 बनाएगा, और इसी तरह ये ट्रेंड चलता रहेगा. अब फिफ्थ ग्रुप पे जब आप आते हो तो नाइट्रोजन जो है अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए तीन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है. बिकॉज इसको अगर तीन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, 5 तो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना लास्ट शेल के अंदर, तो इसकी वैकेंसी 3 की है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 भी शो करता है, ठीक है. तो आप NH3, जैसे आप अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, वो बना सकते हो. आप इसके साथ PH3 बना सकते हो, NASH3, SPH3, एंटीमनी, बिस्मूथ, इनके कंपाउंड्स आप बना सकते हो. सो ये तो था इन जनरल. उसके बाद अगर आप ऑक्सीजन के इस पे आते हो तो ऑक्सीजन जो बनाता है हाइड्राइड वो कौन सा होता है, वो आपका वाटर होता है H2O. एंड देन सल्फर जो बनाता है वो क्या होता है आपका H2S होता है. ये कंपाउंड आपके नेगेटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनना शो करते हैं, ये नेगेटिव 2 इनका वो होता है. कोवेलेंट के हम लोग प्रॉपर्टीज भी देख चुके हैं. अब हम पोलैरिटी की बात करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स की पोलैरिटी. जब आप लेफ्ट से राइट साइड पे आ रहे हो तो बेसिकली आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है ना, पर अगर आप देखो कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है हाइड्रोजन की तो 2.2 ही है,
2.04 का 2.2 के साथ डिफरेंस देखो और 3.98 का डिफरेंस देखो। जब आप लेफ्ट से राइट पे आ रहे हो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा हो रही है लेफ्ट से राइट साइड पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बॉन्ड की पोलैरिटी की, बॉन्ड पोलैरिटी। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो आपकी बॉन्ड पोलैरिटी है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम जब आप आते हो तो ये पोलैरिटी जो है ये डिक्रीज करती है। इसकी वजह अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है, और आप डिटेल में टेबल को देख के तो ये अंदाजा कर सकते हो कि ये बढ़ क्यों रही है और ये कम क्यों हो रही है, ठीक है। बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में इतना है कि ये जो पोलर बॉन्ड्स होते हैं, ये चार्ज जो आ जाता है उनके ऊपर, ये इन केस ऑफ फ्लोरीन अगेन सबसे ज्यादा होगा, और इन केस ऑफ वो जो सबसे लेस स्टेबल था आपके पास लेड का हाइड्राइड, वो सबसे कम पोलर उसका बॉन्ड होगा, ठीक है। इसके बाद हम फाइनल अपना टॉपिक खत्म करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा सा डिस्कस करके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आपको आइडिया हो या क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है एक वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कंटेन करता है, तो उसके साथ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये, और इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड डिफाइन करते हैं। हाइड्रोजन का आयन जब एक बॉन्ड बनाता है एक बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो एक लोन पेयर भी कंटेन करता है, तो उस केस में जो बॉन्ड बनता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड डिफाइन करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब कहाँ कहाँ पे होगी आपके पास, आपके पास जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पीरियोडिक टेबल में वो आपकी होती है इन तीन कंपाउंड्स की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की, तो ठीक है। तो इन तीन के जो आपके पास हाइड्राइड्स बनते हैं वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनमें, जैसे अमोनिया के अंदर और आपके पास वाटर के अंदर और आपके पास जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF के अंदर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जो कि बहुत स्ट्रांग होती है। तो इस स्ट्रांग बॉन्डिंग की वजह से आपके पास जो करेक्टर है वो बहुत ज्यादा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हो जाएंगे कंपेरेटिव टू अदर कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है। अगर आप ट्रेंड देखना चाहो तो ये आपके पास ट्रेंड है। आप देखो कि जब आप वाटर की बात कर रहे हो, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपके पास है अराउंड 373 केल्विन, ठीक है, ये केल्विन स्केल के ऊपर आपको शो हो रहा है, 373 होता है वाटर का, बिकॉज 273 माइनस करने से आपके पास डिग्री सेल्सियस में आंसर आता है ना, तो ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और ये 373 केल्विन वाटर का है। अगर आप वाटर के नीचे वाला जो कंपाउंड है H2S, अगर आप उसकी बात करते हो तो देखो H2S का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है, हालांकि उसको ज्यादा होना चाहिए। आप कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हो ना, कोवेलेंट हाइड्राइड्स की, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, और कोवेलेंट हाइड्राइड जो होते हैं जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हो ना कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर, तो ये लास्ट लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं कि पोलराइजेबिलिटी जो या पोलराइजिंग पावर होती है वो आपकी बढ़ जाती है, मोर पोलराइजेबिलिटी, और पिछले लेक्चर्स के अंदर आप पोलराइजेबिलिटी को डिटेल में देख सकते हो, तो मोर पोलराइजेबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो अब होगा ये कि आपका जब ऊपर से नीचे आते हो तो आपका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए ना, लेकिन ये तो कम हो गया। ये कम इस वजह से हुआ है बिकॉज वाटर में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि आपके पास H2S में नहीं होती। इसके बाद जब आप H2SE और आप H2TE पे आते हो तो आप देख लो कि देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी वजह यह है कि आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो और आपके पास पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है। इसी तरह आप फॉस्फोरस की बात करो, आर्सेनिक की बात करो और एंटीमनी की बात करो, और इसी तरह आप अगर क्लोरीन की बात करो और फिर आप ब्रोमीन की बात करो और फिर आप एस्टिटीन की बात करो और फिर आप इस आयोडीन की बात करो और फिर आप सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, स्टेनम की, अब बेसिकली हो ये रहा है कि आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और बहुत कम इंक्रीज है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर है उन सब कंपाउंड्स की, और दूसरा इनका साइज में बहुत कम फर्क है। आपके ये जो तीन कंपाउंड्स थे ना ये वाले, इनमें आप देख लो कि ये बाकी सबसे टोटली डिफरेंट है,
ये ये और ये, इनकी वजह आपको मैं बता चुका हूँ कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आप ये डिफरेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग शो करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और टॉप टू बॉटम मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेफ्ट से राइट साइड पे आप आओगे तो आपके पास अगेन क्या होगा, लेफ्ट से राइट साइड पे आपके आपके जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स की जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है वो बढ़ जाएगी। जैसा आप देख सकते हो कि सिलिकॉन को अगर आप देखो, और सिलिकॉन से ऊपर आपके सिलिकॉन से लेफ्ट साइड पे आपके पास कौन सा कंपाउंड होता है, एल्युमिनियम। और अगर आप एल्युमिनियम देखो तो एल्युमिनियम उससे राइट नीचे लाई करता है, और सिलिकॉन से ऊपर आपके पास राइट साइड पे आपके पास होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और सल्फर, ये आपके पास दोनों ऊपर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब फॉस्फोरस और सल्फर के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है सिलिकॉन के निस्बत। तो जब आप लेफ्ट टू राइट आते हो कोवेलेंट हाइड्राइड्स के अंदर, तो अगेन आपके जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, तो अगेन हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स आपके पास आएंगे, ठीक है। हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हम लोगों ने आयनिक और इंटरमीडिएट और कोवेलेंट हाइड्राइड्स को डिटेल में डिस्कस किया, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे अगेन पीरियोडिक ट्रेंड्स को, कि पीरियोडिक टेबल में कैसे प्रॉपर्टीज चेंज करती हैं ऑक्साइड्स की, ठीक है। सॉरी मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था ऊपर, कि जो आपके आयनिक हाइड्राइड्स थे ना, ये वाले जो आपके पास आयनिक हाइड्राइड्स थे, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, अगर देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, लिथियम की भी, रेडियम की भी और कैल्शियम की भी, 0.98, 1.0, 0.9, इन सब की ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। ये सब के सब मैंने आपको बताया था कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और ये सब के सब जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इनके ट्रेंड्स हम लोगों ने इस वजह से डिस्कस नहीं किए, ठीक है। तो ये मैंने आपको जरूरी समझा बताना, बिकॉज आपके जहन में ये क्वेश्चन रेज हो सकता था कि आयनिक जो आपके पास कंपाउंड होते हैं उनके ट्रेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह प्रोडक्ट ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स के। सो दैट्स इट।